हो सकता है यह कहानी कुछ लोगों के पहले से सुनी हुई हो, पर यह कहानी इतनी इफेक्टिव है कि अगर यह दूसरी बार भी आपने सुन ली तब भी आपके ऊपर असर करेगी। यह इतनी जबरदस्त कहानी मुझे लगती है कि इसको जितनी बार याद करते हैं, इस कहानी को जितनी बार याद करते हैं उतनी बार मोटिवेशन आता है। पुराने समय की कहानी है, एक राज्य था। एक दिन गुप्तचरों ने, जो डिटेक्टिव होते थे, उन्होंने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपने विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सलूशन है, कोई सुझाव है तो बता सकता है, कोई स्ट्रेटजी है तो बता सकता है। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी ही, इसी वक्त पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं, वो वैसे भी हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो क्यों ना कुछ ना करने से हम ये कर सकते हैं। राजा को बात थोड़ी अच्छी लग गई, उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था, एक पुल था। तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए तो राजा ने कहा, हम घुस चुके हैं अपने पड़ोसी राज्य में, ये जो पुल है इस पुल को जला दो आप। और जलाने के बाद में सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास में सिर्फ लड़ने का ऑप्शन है, हमारे पास में कोई प्लान बी नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्लान ए है, हम या तो लड़ के जीत ले या फिर हम यहां पर मर जाए, हमारे पास में भागने का कोई ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस एटीट्यूड के साथ में कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इस कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में प्लान बी नहीं होता है, आपके पास में सिर्फ प्लान ए होता है, तब उसके पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है, ये अगर नहीं किया तो मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। हर कामयाब इंसान का एक वक्त आता है जब उसको लगता है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बर्बाद हो जाऊंगा, और वो कर लेता है। दोस्तों, अभी आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा मैंने एक और न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है ओईएफ फैक्ट्स, जिस पर अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं, वर्ल्ड से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, एक किसी चीज से रिलेटेड, ऐसी मजेदार और नॉलेज से भरी वीडियोस आती है। उस चैनल पर इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती है कि आप देखते रह जाओगे। उस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करो, उसका नाम है ओईएफ फैक्ट्स। ओईएफ फैक्ट्स यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी जाओ चैनल पर, आप खुद से एक दो वीडियो देखो, अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं 99% श्योर हूं कि आपको वो चैनल बहुत पसंद आएगा, फैक्ट से भरी सारी वीडियोस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे खुद अपने आप को बहुत मजा आता है ऐसी वीडियोस बनाने का, तो आपको भी बहुत मजा आएगा, साथ में ज्ञान भी बढ़ रहा है। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ उसको अभी देखो। मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।